हम यहाँ सत्यनाथ मठ परगना अल्दीमऊ कादीपुर सुल्तानपुर जनपद के एक पवित्र प्रांगण में हैं, और हमारे साथ है इस मठ के बहुत ही पुराने यहाँ पे सदस्य हैं। यहाँ पे कुछ कार्यक्रम होना है, उसी कार्यक्रम के सिलसिले में मैं आपसे बातचीत करने के लिए आया हूँ। तो गुरुजी, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो यहाँ पे जो कार्यक्रम होना है वो कितने दिन तक का कार्यक्रम है गुरुजी? नागेंद्र जी, बहुत पवित्र स्थान है और बहुत प्राचीन काल का स्थान है। आज जो नाथ परंपरा के जो आदिनाथ हैं बाबा सत्यनाथ, उनकी ये तपाभूमि तपोभूमि है, जिसके बारे में बहुत कम पता था। हम लोग यहाँ पर लगभग 50 वर्ष से रह रहे हैं, और शुरू शुरू हम जानते थे कि ये सतई बाबा की मठिया है, सतई बाबा ही सत्यनाथ हैं। ये हम लोग महाराज जी के आने पर जाने, महाराज जी जब वाराणसी से यहाँ पर पधारे, इनको उस स्थान की खोज थी, जब उनको पता चला बाबा सत्यनाथ का की तपोभूमि यही है, तब से बहुत काम महाराज जी ने किया, सामाजिक कार्य, आध्यात्मिक कार्य, सांस्कृतिक कार्य निरंतर महाराज जी करते रहते हैं। और ये जो महापर्व है मकर संक्रांति का, इसको अवधूत देशना पर्व के नाम से यह अघोर परंपरा मनाया जाता है। 3 दिन का एक कार्यक्रम होता है, जिस दिन मुख्य संक्रांति होती है उसके एक दिन पूर्व से एक दिन बाद पश्चात तक ये कार्यक्रम होता है। इस वर्ष चूंकि 15 जनवरी को संक्रांति पड़ रही, इसलिए 14, 15, 16 ये 3 दिन इसका कार्यक्रम है। पहले दिन स्वास्थ्य शिविर लगता है, जिसमें क्षेत्र के तमाम जो लाभार्थी होते हैं वो आते हैं, उनके स्वास्थ्य का परीक्षण होता है, निःशुल्क दवाएं उनको दी जाती हैं। एक बहुत बड़ा कार्य ये समाज सेवा का इस मठ के द्वारा हो रहा है। आज उस कार्यक्रम का शुभारंभ हो गया। हम लोगों के अत्यंत प्रिय जो विधान परिषद सदस्य हैं बाबू सैजन प्रताप सिंह एमएलसी, उनके कर कमलों से आज इस स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन हुआ। आज दिन भर ये स्वास्थ्य का कार्यक्रम चलेगा। प्रातःकाल ओम नमः शिवाय का अखंड जाप हुआ, वो भी चल रहा है, स्वास्थ्य शिविर हुआ, और कल आल्हा गायन होगा। बाबू फौजदार सिंह जो अंतर्राष्ट्रीय आल्हा गायक हैं, उनके माध्यम से कुछ और भजन गायक हमारे आते हैं, उनके माध्यम से दिन भर ये सांस्कृतिक कार्यक्रम संपन्न हो गए। अंतिम दिन महिलाओं की और वरिष्ठ नागरिकों की एक गोष्ठी होती है। प्रतिवर्ष गोष्ठी के नए नए विषय होते हैं, ऐसे विषय होते हैं जो सामाजिक चेतना जगाने के लिए, राष्ट्रीय चेतना जगाने के लिए आवश्यक होते हैं। पूरे क्षेत्र के जो अच्छे विद्वान हैं, महाविद्यालयों के, विश्वविद्यालयों के, और भी तमाम जो चिंतक हैं, साहित्यकार हैं, सब उसमें एकत्र होते हैं। परसों की जो गोष्ठी है वो राष्ट्र निर्माण में आध्यात्मिक चेतना का महत्व, आध्यात्मिक चेतना के द्वारा कैसे राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है, इस पर हमारे जो विद्वान होंगे वो विचार विमर्श करेंगे, और उसमें पूरे क्षेत्र की जनता, जो प्रबुद्ध जनता है, वो सब एकत्र होती है, और महाराज जी का आशीर्वचन हम सब लोगों को मिलता है, एक नई दिशा जीवन जीने की हम लोगों के यहाँ प्राप्त होती है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। अभी आप सुन रहे थे, इस पूरे कार्यक्रम की जानकारी अभी आपको दे रहे थे श्री मथुरा प्रसाद सिंह जटायु, जो कि एक पेशे से अध्यापक रहे और कलम के धनी रहे, और आपने बहुत अच्छी अच्छी रचनाएं की। आप एक कवि की भूमिका में समय समय पे हम सभी को आपका मार्गदर्शन प्राप्त होता रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। धन्यवाद। हर साल की तरह इस साल भी बाबा के यहाँ जो है शिविर लगता, स्वास्थ्य शिविर लगता है जी, जिसमें हर तरह की सुविधा रहती है, आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथ, प्लस हमारे SC ST के डॉक्टर्स, प्लस सारी जांचें और रक्तदान का शिविर लगाते हैं जी, और जिसमें हम लोग भी अपना सहयोग कर रहे हैं उसमें। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब कि आप देख पा रहे हैं यहाँ सत्य नाथ मठ पे आज डॉक्टर साहब ने, यहाँ पे इनकी पूरी टीम है, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, एलोपैथ, होम्योपैथ, आयुर्वेद और यूनानी पद्धति, जितनी भी पैथी होती है चिकित्सा के क्षेत्र में, वो सारी पैथी इसका यहाँ पे आज इस शिविर में उनको लाया गया है, और ताकि जो है अच्छे से देखभाल हो सके यहाँ पे आए हुए सभी दर्शनार्थियों का, और साथ ही जो भी पेशेंट आते हैं उनकी भी जांच वगैरह, ताकि यहाँ पे हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद।